नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप पिछले 5 से 10 सालों में देख रहे होंगे कि आम जनमानस में कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के प्रयोगों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हर व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस वजह से हर किसी का एक्सेस हर किसी के पास है और इंटरनेट कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। इस वजह से पिछले कुछ सालों में साइबर अपराधों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। इंटरनेट के माध्यम से हैकर आपका डेटा चुराते हैं, उससे आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं या फिर वर्ल्ड मार्केट में उस डेटा का दुरुपयोग कर सकते हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक ना एक बार साइबर क्राइम का शिकार हुआ है। जी हां, इंटरनेट से होने वाले जो अपराध हैं उन्हें हम साइबर क्राइम कहते हैं। अनपढ़ व्यक्ति हो या पढ़ा लिखा व्यक्ति, कभी न कभी वो ऐसी गलती अवश्य करता है जिससे वह इन हैकरों का शिकार हो जाता है। कई बार हमारे पास फोन कॉल आते हैं जहां पर हमसे डेटा मांगा जाता है कि आप अपना आईडी बताइए, पासवर्ड बताइए या पिन नंबर बताइए या ओटीपी जो आ रहा है उससे आपसे वो सब आपसे पूछ लेते हैं। आप उनको डिटेल दे देते हैं उनके भरोसे में आकर और फिर आप उस अपराध का शिकार हो जाते हैं। आप पुलिस में कंप्लेन करते हैं, बैंक जाते हैं, तरह तरह के जतन करते हैं, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन फिलहाल होता हुआ दिखाई देता नहीं है। अभी जैसे एक खबर आई कि एनडीटीवी की पत्रकार निधि राजदान, जो कि काफी जानी मानी पत्रकार हैं, उनके पास एक मेल आया था कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। उन्होंने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर डिक्लेयर भी किया कि मैं अब पत्रकारिता छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में जा रही हूं। लेकिन आज उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया कि वह साइबर अपराध का शिकार हो गई हैं। सोचिए, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि हर तरीके से तकनीक को समझता है, पत्रकार है, वह जब इस अपराध का शिकार हो सकता है तो आम जनमानस के बारे में फिर सोचना ही क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इसी विषय में। मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। सबसे पहले एक वर्ड जो हम लोग सामान्यतया सुनते आते हैं, राजनीतिक रूप में ज्यादा उसको सुनते हैं, उसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज विभिन्न जातियों को, धर्मों को इस तरीके से जोड़ती हैं जिससे उनका एक वोट बैंक तैयार होता है। वो दो उन जातियों या धर्मों को जोड़ते हैं जिनके बीच आपस में कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा है, लेकिन वह पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें ऐसा मोल्ड करती हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से जिसके द्वारा वो आपस में जुड़ाव पाते हैं और फिर वोट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। यही वर्ड यूज किया जाता है जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं। यहां पर भी सोशल इंजीनियरिंग की जाती है। यह किसी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से बहलाने की वह कला है जिससे कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके हित की ही बात कर रहा है। कई बार आपने सुना होगा कि फोन कॉल आते हैं और उसमें कहा जाता है कि आपने 10 लाख रुपए की लॉटरी जीती है और आपको इसके लिए 5,000 रुपए जो है वो सबमिट करना है। देन उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन फीस जैसा कुछ बोलते हैं कि उसको सबमिट करेंगे, देन आपके पास वो 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। और जब व्यक्ति इस 5,000 रुपए को उसके अकाउंट में डालता है तो उसे डालने के बाद पता चलता है कि वह इसका शिकार हो गया है। इसे ही साइबर क्राइम कहा जाता है, निजता का हनन। तो साइबर क्राइम का शिकार हर कोई कहीं ना कहीं होता है। सामान्यतया इसके दो तरीके माने जाते हैं, एक बोलते हैं फिशिंग और एक बोलते हैं विशिंग। पहले बात करते हैं फिशिंग की। फिशिंग में क्या होता है कि आपके पास मोबाइल पे मैसेज या फिर ईमेल आता है और उस ईमेल में या मैसेज में जो प्रोफार्मा दिया होता है वो कुछ उसी तरीके का होता है जैसे कोई बड़ी कंपनी या बड़ा इंस्टीट्यूशन यूज करता है। दोनों के बीच में अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो व्यक्ति यह सोचता है कि जो मेल आया है वो ऑथेंटिक ही होगा, वो अपने सारे डिटेल वहां पर फिल आउट करता है और फिर जब उसे वो सेंड करता है तो बाद में उसे पता चलता है कि ओह ये क्या हो गया। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी मेल या मैसेज के द्वारा इस तरह का अपराध का शिकार होता है तो उसे हम कहते हैं फिशिंग। तो फिशिंग बेसिकली ईमेल और मैसेज के माध्यम से किया गया अपराध है जहां पर आपकी सारी डिटेल वह उस मैसेज या मेल में लिखवा लेते हैं। दूसरा होता है विशिंग।
तरीका कमोबेश एक जैसा है, लेकिन यहां पर मेल या मैसेज नहीं, यहां पर कॉल आता है। आपके पास कॉल आता है और उस कॉल के थ्रू आपसे यह पूछा जाता है कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, आपकी निजी डेटा जो है वो वहां पर व्यक्ति जो है वो ले लेता है और फिर पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो खाली हो गया। तो फिशिंग में मैसेज या आपके मेल के माध्यम से डेटा निकाला जाता है, निश्चित आपकी छेड़ी जाती है, और दूसरे विशिंग में हमसे कॉल के माध्यम से किया जाता है। तो निराधार के केस में भी यही हुआ, जहां पर उनसे मेल के माध्यम से यह अपराध हो गया और वह इसकी विक्टिम या शिकार बन गया। तो साइबर क्राइम का इस समय पूरे विश्व में बहुत ज्यादा इफेक्ट चल रहा है, हर कोई इससे कहीं ना कहीं परेशान चल रहा है। आपके पास मेल या मैसेज बैंक की तरफ से आता है कि वो आपसे पासवर्ड, ईमेल आईडी या आईडी या ओटीपी जो है वो नहीं मांगते हैं, फिर भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां कर जाते हैं। 2001 में जब अपराध की शुरुआत हो रही थी, साइबर अपराध की, उस समय कन्वेंशन हुआ था जिसे बुडापेस्ट कन्वेंशन कहते हैं, जो कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए कन्वेंशन था, और 2004 में इसे हर देशों ने रेटिफाई किया। फिलहाल 2020 के अकॉर्डिंग इसमें 67 देश जो हैं वो इसके भाग हो चुके हैं, भारत अभी इसका भाग नहीं है, क्योंकि इसमें एक आर्टिकल 32B है जो कि राज्य की संप्रभुता, सोवरेनिटी ऑफ स्टेट का हनन करता है, और भारत एक सोवरेन स्टेट है, तो इस वजह से भारत ने अभी इसको रेटिफाई नहीं किया, लेकिन भारत चाहता है कि वो साइबर अपराधों को कंट्रोल कर सके और विश्व बिरादरी उसका सहयोग कर सके। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन जो कि साइबर अपराध के लिए बनाया गया था, फिलहाल अभी उस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएस हो गया, ये इसके पार्ट हैं, भारत, चाइना, पाकिस्तान फिलहाल ये इसके पार्ट नहीं है। तो साइबर अपराधों से बचने का तरीका क्या है? साइबर अपराधों से बचने का तरीका है कि इंसान को, व्यक्ति को सजग रहना चाहिए। उसे ऐसे किसी भी मेल का, उसे ऐसे किसी भी कॉल का, उसे ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देना चाहिए जिसको वह समझ नहीं पा रहा है। आप ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक मत करिए जिसको आप नहीं समझते हैं, लालच में मत पड़िए, क्योंकि सामान्यतया मनुष्य के अंदर पैदा होने वाली लालच का फायदा ये हैकर सबसे ज्यादा उठाते हैं। तो लालच में मत पड़िए, एक दिन में 10 लाख या 1 करोड़ रुपए कोई नहीं जीत सकता, तो इसका ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए, साइबर अपराधों से बचे रहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात की साइबर अपराध के विषय में, फिशिंग और विशिंग क्या होता है इसके विषय में हमने जाना। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो और आप ये चाहते हैं कि आपके साथी भी साइबर अपराध का शिकार नहीं हो, तो इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।